आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने रियासती वज़ीर-ए-आज़म वुज़रा और वफाकी वुज़रा को इंतखाबी मुहिम के दौरान सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रियासती या वफाकी हुकूमत इलेक्शन के दौरान किसी भी किस्म के हुकूमती वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ने किसी भी वफाकी नुमाइंदे को भेजा प्रोटोकॉल देने से मना किया है। जानते हैं औरंगजेब से, औरंगजेब अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसके मुताबिक जो रियासती वुज़रा हैं जिनमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर हैं और या फिर वफाकी वुज़रा हैं या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, इनको एक तो सरकारी वसाइल यानी या तो सरकारी गाड़ियां, कोई भी किसी किस्म के सरकारी वसाइल से इलेक्शन के दौरान जो है, इलेक्शन मुहिम के दौरान जो है वो मना कर दिया है, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। और बाकायदा उस प्रेस रिलीज के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी और उसके अलावा हुकूमती किसी भी किस्म के वसाइल का इस्तेमाल के ऊपर भी ममानत कर उन्होंने रखी है। लेकिन यहाँ एक बड़ी अहम बात मैं बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो ज़ाब्ता अखलाक बनाया है गुज़श्ता दिनों जो यहाँ के नुमाइंदों जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा करवाई है उसके उस दौरान जो है वो सिर्फ दो तीन बंदे जो हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ देखा गया कि ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई गई और लोग जो हैं वो एक जुलूस की शक्ल में रिटर्निंग ऑफिसरों के पास गए हैं, लेकिन उस तरह ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी। शुक्रिया मुजीबुल्ला अपडेट।